बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास फाइव अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। इट्स योर मैथमेटिक्स लेक्चर ऑफ वीक फाइव लेक्चर वन। यू आर डूइंग प्रीवियसली यूनिट नंबर फाइव। नाउ वी विल अगेन डू यूनिट नंबर फाइव एक्सरसाइज नंबर 9 to 11। और इसमें हमने करना क्या है कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम, लाइक वी विल कन्वर्ट आवर्स टू मिनट्स एंड सेकेंड्स। एंड इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। लिसन टू द फुल वीडियो एंड If you have any query, any problem, you can take help from the PDF notes also provided. Okay, class, look at exercise number 9. They have given you the question that convert the following hours to minutes. A part है हमारा 2 hours and 33 minutes. तो question को solve करने से पहले हम क्या करेंगे? Table given है आपके पास. You have to remember that table. 1 minute is equal to 60 seconds. 1 minute में 60 seconds होते हैं, 60 seconds होते हैं. और 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 डे में 24 आवर्स होते हैं टोटल, और 7 डेज का 1 वीक होता है, 30 डेज का 1 मंथ होता है, 12 मंथ्स हो जाए तो 1 ईयर होता है, और 1 ईयर में टोटल हमारे पास 366 डेज होते हैं। नाउ कम टू ए पार्ट क्वेश्चन, 2 hours and 33 minutes। एज वी नो कि हमारे पास 1 आवर 60 मिनट्स के इक्वल होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो उसको हम मिनट्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 120 मिनट्स, एंड 33 मिनट्स आल्सो गिवन, तो 120 एंड 33 मिनट्स को एडअप करेंगे तो आंसर विल बी 153 टोटल मिनट्स। सेम लाइक बी पार्ट है हमारे पास 3 आवर्स 45 मिनट्स। इसमें भी सेम सोल्यूशन आएगा, एज वी नो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो मल्टीप्लाई द 3 आवर्स बाई 60 फॉर कन्वर्टिंग इन टू मिनट्स। तो दिस विल बी 180 मिनट्स, एंड 45 मिनट्स एड अप विद 180, तो आंसर विल बी 225 मिनट्स। ओके, लुक एट द सी पार्ट क्वेश्चन, 10 आवर्स 2 मिनट्स। तो इसमें हम सबसे पहले 10 आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 600 मिनट्स आ जाएंगे, उसमें हमने 2 मिनट्स ऐड अप किए हैं तो वो 602 मिनट्स हो जाएंगे। सेम लाइक डी और ई पार्ट हैं, एफ पार्ट भी सेम इसी तरह से है, आपने बाकी सारे पार्ट्स भी इसी तरह से नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। यू हैव टू सॉल्व फुल एक्सरसाइज। इस वीडियो में आपको नज़र आ रहे हैं पार्ट ए से लेकर एफ तक मैंने आपको जो है वो दिखा दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, सेम मेथड है इनका। इसी तरह आपने बाकी के 4 पार्ट्स जो रह गए हमारे हैं, पार्ट जी एच आई और जे, ये भी आपने नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके क्लास, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। यस क्लास फाइव, नाउ लुक एट एक्सरसाइज नंबर 10। क्वेश्चन इज़ यू हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स टू आवर्स एंड मिनट्स। थिंग्स टू रिमेंबर, मैं आपको नज़र आ रहा है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो क्वेश्चन ए पार्ट देखें, 220 मिनट्स, तो हमने 220 मिनट्स को चेंज करना है, इसके 220 मिनट्स टोटल में कितने घंटे और कितने मिनट्स होते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे, एज वी नो कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो हम डिवाइड कर देंगे 220 मिनट्स को 60 मिनट्स के साथ, तो जो आंसर ऊपर क्वेश्चन में आएगा वो हमारे आवर्स होंगे, जो रिमाइंडर होगा वो हमारे मिनट्स होंगे। लाइक आप देख सकते हैं रफ वर्क में, मैंने इसके 220 को अंदर रखा है और 60 के साथ डिवाइड रखा है, तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 180 वहीं से माइनस किया, तो 40 हमारे पास रिमेनिंग बच गई, ये मिनट्स हैं हमारे और 3 आवर्स हैं, तो आंसर विल बी 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स। सेम इसी तरह से आपका बी और सी पार्ट भी है, बी पार्ट में गिवन है 140 मिनट्स, तो सेम उसी तरह 140 को हम डिवाइड करेंगे 60 पर, तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 120 से माइनस किया तो हमारे पास बच गया बाकी रिमाइंडर में 20 मिनट्स, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 आवर्स 20 मिनट्स। इसी तरह सी पार्ट में 80 मिनट्स क्वेश्चन है, तो 80 को डिवाइड कर देंगे 60 पर, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आंसर 1 आवर 20 मिनट्स, यानी 60 वन 60, 80 में से 60 माइनस किया तो 20 रिमाइंडर आ जाएगा, तो इस तरह ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 आवर्स एंड 20 मिनट्स। तो आपने इसी तरह से ए बी सी और ए बी और सी पार्ट्स को देखते हुए बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं डी ई एफ जी एच, ये अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। आपने एक्सरसाइज नंबर 9 भी कंप्लीट सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज नंबर 10 भी इसी तरीके से सारी सॉल्व करनी है, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन सी द पी डी एफ नोट्स गिवन ऑल्सो।
जी 5 क्लास, जिस तरह आपने एक्सरसाइज नंबर 10 में अभी मिनट्स और आवर्स चेंज किए हैं, इसी तरह हमने 60 से डिवाइड किया था। अब हमने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 11, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेकंड्स टू मिनट्स एंड सेकंड। जब सेकंड्स में चेंज करते हैं तो वो भी 60 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जैसे 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने आवर्स को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 मिनट से डिवाइड किया था। इसी तरह मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करते हुए, चेंज करते हुए हमने 60 सेकेंड से डिवाइड करना है। लुक एट द ए पार्ट, 85 सेकेंड्स। एज वी नो कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो हम क्या करेंगे, बाई डिवाइडिंग 85 सेकेंड्स विद 60 मिनट्स फॉर कन्वर्टिंग इन टू मिनट्स एंड द रिमाइंडर नंबर्स विल बी द सेकेंड्स। तो इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, 85 को हमने अंदर रखा और 60 के साथ डिवाइड रखा, और डिवाइड करने के बाद आंसर हमारा क्या आ गया, 61 60 माइनस किया तो 25 सेकेंड हमारे रिमाइंडर बच गया, तो 1 मिनट 25 सेकेंड्स हमारे क्या है, आंसर आ गया। सेम इसी तरह से हमारे बी और सी पार्ट आप देख सकते हैं। बी पार्ट है 110 सेकेंड्स, इसको भी सेम 110 को हमने डिवीजन फॉर्म में रफ वर्क में जिस तरह मैंने किया हुआ 60 से डिवाइड कर देंगे। 61 60 माइनस के तो बाकी आ गया 50 सेकेंड्स, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 मिनट 50 सेकेंड्स। सेम इसी तरह से आपने सी पार्ट भी करना है। सी पार्ट में है 230 सेकेंड्स, 230 को अंदर रखेंगे उसमें और 60 के साथ डिवाइड कर देगा 60। अब इसमें देखें, पहले हम 61 60 कर रहे थे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ हमें 230 है अमाउंट, तो हम इसके ज़रा करीब वाला जो है या इसे इक्वल वाला या कम वाला लिखेंगे, तो 63 180 इसके करीब ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर 60 को 4 से करें तो 240 आ जाता है, 240 230 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 180 छोटा ले लेते हैं। 63 180 180 को माइनस किया 230 में से, तो 50 सेकेंड्स बच गए हमारे पास रिमाइंडर, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 मिनट्स एंड 50 सेकेंड। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, जो ऊपर क्वेश्चन होता है डिवीजन में, वो हमारे मिनट्स या आवर्स जो भी रिक्वायर्ड है वो होते हैं, और जो रिमाइंडर्स होते हैं वो हमारे सेकेंड्स। जैसे यहाँ पर हमारे मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऊपर जो क्वेश्चन है डिवाइड करने से जो आता है वो है 3 मिनट्स, जिस तरह आया ये हमारा मिनट्स हैं क्वेश्चन ऊपर वाला, और जो रिमाइंडर बच गए हैं 50, ये हमारे सेकेंड्स हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स। ओके, आपने इसी तरह बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं। सी के बाद आपने डी ई एफ जी एच, ये आपने इसी मेथड से करने हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन आई 8 80 सेकेंड्स। आई पार्ट में भी सेम हम 880 को 60 पर डिवाइड करेंगे, तो 61 60 इसके टू पार्ट्स में हम इसकी डिवीजन कर रहे हैं, जिस तरह आप सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं डिवीजन के। 838 में से जब 60 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 228, 0 ऊपर से नीचे आएगा तो 280 बन जाएगा। 60 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 आता है, क्योंकि अगर हम 5 से करें तो 300 आ जाते, तो हमने 240 280 के करीब ले लिया। जब इसको माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 40, तो 14 मिनट्स जो ऊपर आंसर क्वेश्चन में आया है डैट विल बी द मिनट्स, एंड रिमाइंडर्स जो आए हैं 40 वो हमारे पास आ जाएंगे सेकंड्स, तो आंसर हो जाएगा 14 मिनट्स 40 सेकेंड। येस 5 क्लास, योर डायरीज, यू हैव टू सॉल्व ऑल द पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 9 10 11 ऑन योर नोटबुक्स। और जो पार्ट्स रिमेनिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किए, लाइक एक्सरसाइज नंबर 9 का पार्ट जी एच आई जे, एक्सरसाइज नंबर 10 के पार्ट्स डी ई एफ जी एच, एक्सरसाइज नंबर 11 के पार्ट्स डी ई एफ जी एच और जे, ये आपने होमवर्क में खुद से करने हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द पीडीएफ नोट्स गिवन आल्सो, एंड यू हैव टू सॉल्व फुल एक्सरसाइज नंबर 9 10 11 ऑफ यूनिट नंबर 5। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड है बेटा, उसमें आपके कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व है, 9 10 और 11 तीनों एक्सरसाइज फुल सॉल्व है, आपने कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। ये पार्ट्स इसलिए मैंने मेंशन किया होमवर्क है कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किए, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है। यू कैन टेक हेल्प, यू कैन सी द पीडीएफ नोट्स आल्सो। ओके, और बाकी मैंने पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए बहुत अच्छे से, आई होप कि आप सबको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। ओके क्लास, आप अपना काम अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, एक्सरसाइज नंबर 9 10 और 11 ऑफ यूनिट नंबर 5। टेक वेरी केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।